ये है बीरा गांव। हर गांव की तरह एक बड़ा और खूबसूरत परिवार। इस परिवार में सब लोग हैं। सरपंच चाचा, भुवन, रहमान, सुरजन, रामू, झुमरू, नीलू, राधाताई, झुमकी मौसी और बच्चे सब मिलजुल कर रहते हैं। हर गांव की तरह यहां भी खुशी और उल्लास है। पर रोजमर्रा की परेशानियां भी हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी और गरीबी की। बीरा गांव की पंचायत में एक दिन बात चली कि पास के गांव वचनपुर में बहुत प्रगति हो रही है। भानु ने बताया कि प्रगति का मुख्य कारण है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी MGNRA। सरपंच चाचा ने पूछा कि भानु को ये सब खबर कहां से मिली, तो भानु ने बताया कि उसके चाचा वचनपुर की पंचायत में रोजगार सहायक हैं। बस इतना सुनते ही सब भानु के पीछे पड़ गए कि आने वाली छुट्टियों में वो वचनपुर जाए और MGNRA को अपने गाँव बीरा में किस तरह चालू किया जाए ये सिस्टम समझ कर आए। भानु ने अपने बचपन के दोस्त राजू को भी इस सफर में चलने को कहा। पहले तो राजू नहीं माना, मगर थोड़ी आनाकानी करने के बाद राजू मान गया और दोनों चल पड़े वचनपुर की ओर MGNRA की ऑन द स्पॉट ट्रेनिंग के लिए। टिकट तो मिल गई है। पता किया तूने? ये बस बच्चनपुर जाती है ना, नहीं तो हम दोनों सोते सोते पहुंच जाए जोधपुर, उदयपुर, यहाँपुर, वहाँपुर। ऐसी तुम्हारी किस्मत कहाँ राजू, ये बस सीधी बच्चनपुर ही जाती है। और हाँ, जिस दिन हम पहुंच जाएंगे ना, उस दिन से शुरू हो जाएगा हमारा प्रोजेक्ट यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पर काम। क्या कह रहा है, यानी नो मटर कश्ती? जी नहीं, चाचा जी कह रहे थे गांव में कल पंचायत की बैठक है और हाँ, खास मुद्दा है MGNRA। देखो भानु, जिसे तुम प्यार से MGNRA कहते हो, मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, मेरे लिए ये सिर्फ एक सरकारी प्रोजेक्ट का नाम है। गांव जाओ, डॉक्यूमेंट पूरे करो और वापस आके अपने गांव में पंचायत के हाथ में सारी रिपोर्ट थमा दो। मैं नहीं मानता कि एक अधिनियम से पूरा गाँव बदल जाएगा। राजू, तुम इतने नेगेटिव क्यों? मैं चाचा के गाँव खुद गया था और वहाँ जाके मैंने महसूस करा कि MGNRA ने एक नई शुरुआत की है गांव के विकास के लिए। और हाँ, मेरे लिए तो एक मिशन की तरह है कि हम दोनों MGNRA को अच्छी तरह से समझें और अपने गांव में जाके उसे लागू करके एक नई शुरुआत करें। अच्छा, वैसे तो मैंने अधिनियम का पहला पन्ना भी नहीं खोला है, पर तू एक बात बता मुझे, ये MGNRA है क्या? संसद में NREGS 23 अगस्त 2005 को पारित किया गया, फिर ये एक्ट 1 अप्रैल 2008 को भारत के समस्त जिलों में लागू हो गया, फिर 2 अक्टूबर 2009 में संशोधन करके इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बना है। अरे चल, बस चल पड़ी। चल 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 चल।